चार स्ट्रिप है, लाइट तो जल रही है लेकिन थोड़ा डिम है। मुझे लग रहा है इसमें बहुत सारा एलईडी फ्यूज है, ऐसा है। ठीक है, पकड़ो जरा। हाँ, ये लॉक्स खोलने हैं हमें, प्लास्टिक लॉक्स। वो बफल प्लेट जो भी अपना जो डिफ्यूज़र प्लेट से और एलईडी तक पहुंचने के लिए, ये सब चारों तरफ से खोलना होगा। एक बार दिखा देता हूँ, ये लॉक है, आप देख सकते हो। ऐसे ऐसे फिसल जाएंगे ये, ऐसे करके निकाल। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सब थोड़े ये ख़राब हो चुके हैं, बहुत डिम जल रहे हैं, कुछ जल नहीं रहे। मैं लाइट बंद कर देता हूँ। ये देखो, तो हमारे सारे पत्ती डाल देंगे अभी। इसमें वीक है, इसमें वीक है, इसमें वीक है, ये सारे वीक है, ये भी वीक है। दूर से दिखा रहा हूँ पूरा, 42 इंच दिख नहीं रहा होगा। हाँ, तो ऐसे भी होते हैं। तो ये शाम को ही दिखता था ये टीवी, तो मैं अभी ये सारे स्टॉपर्स को निकालता हूँ, फिर बल्ब डालते हैं इसका एलईडी के पैटर्न, और फिर इसको फिट कर। अभी सारे स्टॉपर्स निकाल दिए, अभी इसको निकालने के बारी है। बस अब स्ट्रिप आ गए हैं, ये हमने निकाल के यहीं रख देना है। अब इनको निकाल देंगे, थोड़ा चाकू से इसको पील करना पड़ेगा क्योंकि ये ग्लूड है। मैं लाया हूँ, ये ए है, ये बी है, ये नीचे की तरफ साइड है, तो ये ए बी और यहाँ पे पावर सॉकेट है। मैं जो लाया हूँ डाल देते हैं। चलिए, ये कभी कभी निकलेगा नहीं, आपको ऐसे खींच के निकालना पड़ेगा। कितना भी शार्प टूल यूज़ करो, ये थोड़ा आपको दिक्कत करेंगे। आपको इसको निकाल देना है, और इसी टाइप का मैं लाया हूँ, और उसको डाल देंगे इसको। ये भी निकल जाएगा एयरफ्लेक्टर्स निकालते हुए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, जब इसी को रीयूज़ करेंगे, यहाँ पे सुपर ग्लू डाल के रीयूज़ कर देंगे, लेकिन ये तो बस जला हुआ है बहुत सारा, तो इस ये रीयूज़ नहीं होगा, ये फेंक देंगे। ये निकाल दिया मैंने, और इसका जंक यहाँ रख दिया, सारा निकल गए। ये इसका जंक है, मतलब अभी ये वेस्ट है। अब हम नए वाले डालेंगे, ये नए वाले हैं, इसको पील करके डालेंगे। ये बी साइड के हैं, ऐसे रहेगा। ये ए साइड के हैं, ऐसे रहेगा। ए ऐसा रहेगा, इस होल से इसको मैच करा देंगे। ये नीचे की साइड है, तो ये ए है, ये बी है। इसमें ग्लू स्टिकर है ब्लू कलर, उसको निकाल के चिपका देंगे बस। गाइस, इसको एक एक एलईडी भी रिपेयर करा जाता है, लेकिन वो सेफ नहीं है, दोबारा प्रॉब्लम कर जाएगा जल्दी, इसलिए पूरे पैनल में पूरे डाल दीजिए। 2000 तक, 3000 तक टोटल खर्चा आएगा आपका। नहीं तो आप अगर एक एक एलईडी डालोगे 200-300 में, फिर से 2-3 दिन में या 2-3 महीने में फिर से जल जाएगा एलईडी। अब हमने डाल दिया, इसको फिट करके मैं दिखाता हूँ। सारे एलईडी लग गए हैं, थोड़ा बहुत टिल्ट विल्ट है, बट ठीक है, सारे सेट हैं। जब ग्लू है, एक बार ग्लू में लग गया तो खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर से टूट जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। तो परफेक्टली बिठा दो, और ये सीरीज बोर्ड, सीरीज वायर लगा दो, और फिर ये इसको डाल देंगे हम इसके ऊपर।
इसमें गैप है तो ये फिट हो जाएगा, जैसे भी करके फिट हो जाएगा ये, इसमें दिक्कत नहीं आएंगे। बल्ब थोड़े बड़े बड़े हैं इसके, बैठ गया। यही चाहता था मैं कि इसमें इस ग्रूव में ये बैठ जाए, यहाँ पे ग्रूव है, सारे ग्रूव में बैठ गया और इस ग्रूव में ये बैठ गया। ये नंबर देखो तो इस तरफ नीचे, ठीक है, ये हो गया। अभी सब प्लास्टिक स्टॉपर्स डालेंगे जो इधर उधर टूट गया था, स्टॉपर से। ओके, सारे एलईडी और सारे स्टॉपर्स मैंने फिट कर दिए, अभी जो टूट गया है उसको फेंक देना है। ज़्यादा मतलब लालची नहीं होना है और छोटे छोटे टुकड़े नहीं डालना है इसमें, जो हो गया हो गया, वो उसको बस अभी ये फिट है, इसको जला के देखते हैं। अब हम इसको जला के देखेंगे कि सारे एलईडी जलते हैं और ब्राइटनेस भी देखेंगे। देखिए ये सारा एलईडी जल गया, हमारा ब्राइटनेस भी मस्त आ गया। अब एक सेल्फी लेते, एक फोटो भी लेता हूँ। सारा फिट है, अभी डाल देंगे इसका जो भी बाकी चीज़ है, सारा जल गया, ब्राइटनेस बढ़ जाएगा अभी इस बार, ठीक है, फिट कर। इनको ध्यान देना है बस, ये इसके अंदर जाए सो डिफ्यूज़र प्लेट्स सही रहेगा। तो आपको अभी भी दिख रहा होगा एलईडीज, बट ये अब जलेंगे तो डिफ्यूज़ कर देगा ये और अच्छा पिक्चर देगा। सारा स्क्रू फिट कर दिया हमने जितने भी थे चारों तरफ, और ये केबल थोड़ा वीक नज़र आ रहा है, देखते हैं। अभी सब कुछ तो बराबर था, बराबर आना चाहिए, अगर कुछ भी निकलता है तो केबल बदलेंगे। ये केबल तो नया है, ये बोर्ड तो सही है, टिकॉन बोर्ड, और बाकी सब कुछ तो फिट है। अब चलाते हैं, ऑडियो भी लगा दिया, ये बस सेंसर लगा देंगे और स्टार्ट करेंगे टीवी को। अभी बैक कवर डाल देंगे, अब फाइनल हो गया, बस अभी और कुछ टेस्टिंग करने का ज़रूरत नहीं है, सब तो जल रहा था। बस इस केबल में थोड़ा डाउट है मुझे, क्योंकि मैं कनेक्टर्स देखा, एक वायर थोड़ा टेढ़ा है एक कनेक्टर इसमें, बट ये केबल मिलता है, देखेंगे। चलिए, कोई लाइन नहीं है, सब कुछ सही है, ब्राइटनेस सही है, सब सही है। मुझे वो डाउट था कि उसके वजह से कोई लाइन ना, ठीक है, पीक ऑन का बराबर।